संतोष नगर स्टार्ट हो रही और गुलाबी की दरगाह सरदार मरी होते हुए 4 मिनट तक जाएंगे। ये पीसफुल रैली है और ये रैली में कोई बाइक पे नहीं रहना है, पीछे कार वगैरह रह सकती, बाइक पे नहीं रहना, प्रोटेस्ट करने वाले बाइक पे नहीं रहना, रोड है, रोड पे कोई गाड़ी पे रह सकती, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले गाड़ी पे बाइक पे नहीं रहना है, कार वगैरह रह सकती। और मैं पूरे लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो भी मेरे रैली में जो भी बच्चे हैं, गैर ये प्रोटेस्ट के अलावा गैर मामूली जो भी नारे हैं वो नहीं लगाना है। हमारे को डेमोक्रेसी के वास्ते हम जो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट के वास्ते जो नारा लगाना है जस्टिस के वास्ते, हिंदुस्तान में जहाँ कहीं रेप चल रहे हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और उसके वास्ते हमको नारे लगाना है, जो भी आवाज़ लगाना है उससे हटके कुछ भी नहीं करना है इंशाल्लाह। और हम लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये पीसफुल रैली जाएंगे हमारे इंशाल्लाह। भैया पकड़ो जी भैया, हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी रैली स्टार्ट हो रही है, 2:30 बजे की टाइमिंग थी, बीच में एक 2-3 मस्जिदों में नमाज चल रही थी, वो रुके थे। इंशाल्लाह जो है तो अभी स्टार्ट होने वाली है ये रैली। संतोष नगर वाटर टैंक से स्टार्ट होके बी बाजार चौरस्ता तालाब पट्टी की रोड भवानी नगर की रोड और होते हुए सरदार महल से 4 मिनट तक जाएंगी इंशाल्लाह। ये रैली में जो कोई भी है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो लोग पीसफुल तरीके से ये रैली में एहतजाज करें। जो मुद्दा है हमारा जस्टिस का, उसके हिसाब से ही नारा लगाना है, उससे हटके दूसरा कोई नारा नहीं लगाना है। और बाइक के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमको पैदल चलने की परमिशन मिली है, पैदल चलना है, ठीक है। हमारे बच्चों से ये और मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ हमको कोऑपरेट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी रैली निकाली गई। इस रैली में कश्मीर में पेश आए आसिफा की इज्जत गरी के मामले में फौरी इंसाफ का मुतालबा किया गया। इस मौके पर सैयद वसीम ने एशियन टीवी न्यूज से बात करते हुए मुतालबा किया कि आसिफा के कातिलों को फौरन फांसी की सजा दी जाए। सैयद वसीम की जानिब से इस रैली का एहतमाम किया गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान के सारे सेकुलर हिंदू मुस्लिम के सारे भाइयों को मेरा सलाम। ये रैली देखिए आप, एक मासूम बच्ची जो जम्मू कश्मीर की कठुआ की जो 8 साल की बच्ची है उसके इंसाफ के लिए ये रैली निकाली गई, जो संतोष नगर किरड़ा रोड से 4 मिनट तक आई, ईदी बाजार मेन रोड भवानी नगर से बी बाजार चौरस्ते से यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल रैली थी। हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है, जो ये मासूम लड़की है ये आसिफा के लिए रैली नहीं निकली। हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी रेप हुआ, जितने भी लड़कियों का रेप हुआ, उन सारे लोगों को फांसी की सजा दी जाए, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी और हो या मुस्लिम हो, कोई भी और लड़की हो। हमारा मुतालबा ये है, ये फांसी के लिए सबसे सजा जो है सो एक
फांसी से अलावा भी कोई अगर है तो एक कानून नाफिज किया जाए। और ये प्रोटेस्ट में सबसे पहले ये आसिफा लड़की के लिए जो आवाज़ उठाए, और मैं ये भी कहना चाहूँगा मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से, हिंदू भाइयों के दिल में मुसलमान लोगों के लिए जो कंफ्यूजिंग है और मुसलमान लोगों के लिए हिंदू भाइयों के लिए जो कंफ्यूजिंग है, ये आसिफा के केस को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए मेरे भाई, क्योंकि आसिफा के केस के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले जम्मू के ADG जो आलोक पुरी साहब है वो आवाज़ उठाए, और एडवोकेट जो एक लेडी है दीपिका सिंह चावला वो आवाज़ उठाए, और DGP SP वैस साहब और DSP कटवा शर्मा साहब और SSP रमेश चावला साहब, ये सारे लोग जो भी ये बच्ची के दिफा में के डिफेंस में खड़े हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। ये देश के हीरो हैं, और ये हिंदू मुसलमान डिवाइड एंड रूल करने वाले जो संघ परिवार बजरंग दल के लोग हैं उनके बातों में मत आइए, समझे आप। आप हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी है कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान के लिए आप जो उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। हमारा भी यही मुतालबा है, हम हैदराबाद से ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इनको एक सख्त से सख्त फांसी की सज़ा दें, या इससे भी कोई सख्त सज़ा है तो वो दें, क्योंकि इससे पहले भी जो निर्भया कांड हुआ था वो भी मुजरिमों को जो है तो फांसी दे के फांसी देने का वादा करे, मगर फांसी नहीं दी, उम्र सैद दिए, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म करने के लिए फांसी की सज़ा दीजिए या शूट कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए ताकि रेप केस रुक सके। ये लड़की का जो जनवरी 10 तारीख को जब रेप हुआ, जनवरी में हुआ, उसके बाद कितने रेप हुए, गुजरात के सूरत में एक 11 साल की बच्ची का रेप हुआ, फिर उसके बाद UP में एक रेप हुआ जो MLA का एक भाई है भाजपा पार्टी का, और मुंबई में परसों हाल ही में 2-4 दिन 5 दिन पहले गूंगे और बहरे लड़कियों का रेप हुआ, जो 8 से ज़्यादा बच्चियां हैं उनका रेप हुआ। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमारी आवाज़ है, हमको हुकूमत से जो सो उम्मीद है ये सारे लोगों को कि कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, इंसाफ मिलेगा इन सारे लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये रैली कब तक चलते रहेंगे? ये रैलियाँ देखिए आप, एक मिनट, ये रैली जो है तो हमारी रैली तो अब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, और ये रैलियों का जो सिस्टम है जहाँ पे भी हिंदुस्तान में जहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके कर रहे हैं, इंसाफ के लिए कर रहे हैं। आप हुकूमत अगर इंसाफ उनको दे देंगी, जो भी मुस्लिम है उनको अगर फांसी दी जाएगी या जो भी उनको सजा दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। और एक साजिश की जा रही है कि बच्ची का रेप नहीं हुआ, और ये बच्ची का जो है साजिश करके फंसा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारे बातें हैं, ढोकले बातें, रेप हुआ, कांड हुआ, जो भी हुआ, ये सारे चीज़ जो है सो आप चार्जशीट पढ़ लीजिए, जो भी DGP साहब डाले चार्जशीट आप पढ़ लीजिए, जो भी है वो DGP साहब झूठ तो नहीं लिखे होंगे, इन्वेस्टिगेशन करके लिखे होंगे, फिर उसके बाद भी जो तो CBI इंक्वायरी करो, सब सारे बेकार बात हैं, हम तो मुतालबा करते हैं इनको सीधा सीधा फांसी दी जाए। भारत माँ लुट जाएगी, धर्म के झगड़े करते करते भारत माँ लुट जाएगी, आज मेरी आसिफा लुट गई कल तेरी बरी लुट जाएगी। इंसाफ करो हर नारी का, सर कलम हो बलात्कारी का, इंसाफ करो हर नारी का, सर कलम हो बलात्कारी का, धर्म के झगड़े करते करते भारत माँ लुट जाएगी, आज मेरी आसिफा लुट गई कल तेरी बरी लुट जाएगी। अब घर से निकला बाहर हैवान हिंद पर भारी है, हैवान हिंद पर भारी है, अब घर से निकला बाहर हैवान हिंद पर भारी है, जिसकी प्रमुख लड़ना लड़ते रहेंगे बात यहाँ इंसान की, कसम तुझे तेरे अल्लाह राम गुरु नानक ईसा महान की, धर्म को लड़ना लड़ते रहेंगे बात यहाँ इंसान की। बेटा आदिवासी 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 आदिवासी
फांसी पे लटका देंगे कैंडल नहीं मिलाया रस्सी फांसी पे लटका देंगे फांसी पे लटका देंगे फांसी पे लटका देंगे। पत है नारी के सम्मान की कसम है बाइबल गुरु मैं लौट के आऊं तेरे इस जहान में दुनिया सारी घूर के देखे पग पग पर हैवान है। तू फिक्र ना कर तेरा साथ खड़े तेरी राह में जान लुटा देंगे तेरी राह में जान लुटा देंगे। मैं छोटू सिंह रावला पूरे हिंदवासियों की ओर से भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि अपना कानून बदलकर ऐसे बलात्कारी भेड़ियों को सरेआम फांसी पर चढ़ा दें, वरना अब की बार हम लोग कैंडल नहीं रस्सी लेके निकले हैं और सजा हम खुद देंगे, खुद देंगे। तू फिक्र ना कर तेरा साथ खड़े तेरी राह में जान लुटा देंगे कैंडल नहीं मिलाया रस्सी फांसी पे लटका देंगे कैंडल नहीं मिलाया फांसी पे लटका देंगे फांसी पे लटका देंगे फांसी पे लटका।